यूपी के हमीरपुर जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों की पत्थर और हथौड़े से वार कर निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। बेखौफ हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि इस हत्याकांड ने पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलकर रख दिया। लगातार एक माह में तीसरी बार हत्याकांड से साफ हो गया है। जिले के मुखिया पुलिस कप्तान से जिला संभाले नहीं संभल रहा है। हालांकि घटना के बाद मौके पर डीआईजी डीएमएसपी सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया और कानपुर से फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड ने मौके की जांच शुरू कर दी। यह वह घर है जहां पर आज एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या हुई है। यह चीखें और दर्द के आंसू इस बात के गवाह हैं कि जालिमों ने कितनी बेरहमी से पांच लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। यहां जमा सैकड़ों लोगों की भीड़ और गमगीन माहौल मातमी चीखों से गूंज रहा है। यहाँ का माहौल यहाँ हुई वारदात की खुद की गवाही दे रहा है, जहाँ एक पति पत्नी उनकी दीदी सहित दो मासूम बच्चों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर अज्ञात लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। अब यहाँ मौजूद पुलिस के अधिकारी पूरे हत्याकांड के साजिश जुटाने और आरोपियों की शिनाख्त करने की कोशिश में लगे हैं। यह निर्मम व जघन्य हत्याकांड हुआ है हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई चौराहे का, जो मज डीएम और एसपी के बंगले से 200 मीटर की दूरी पर है। जहाँ के रहने वाले नूरबख्श जो कलेक्ट्रेट में सरकारी कर्मचारी के पद से विगत 4 मार्च रिटायर हुए, उनके दो लड़के थे, जिनके एक लड़का रईस व उसकी पत्नी रोशनी और उसकी बेटी आलिया दादी सकीना व 3 वर्षीय नातिन की उस समय अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। नूरजहां और उसका एक लड़का व बहू एक शादी समारोह में गए हुए थे, तभी अज्ञात लोग घर में घुसकर पत्थर और हथौड़ों से सर कुचलकर पांचों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। सूचना के बाद चित्रकूट धाम मंडल बांदा के डीआईजी अनिल राय, डीएम अभिषेक प्रकाश व एसपी हेमराज ने पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और जांच टीम गठित कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर गहन छानबीन की गई और जल्दी हत्याकांड का खुलासा करने का दावा भी पुलिस कर रही है, जिसके लिए 5 टीमें बनाई गई है। मरने वाले कौन कौन लोग हैं? मरने वाले इनका नाम है रईस नाम के व्यक्ति है, जिनकी उम्र करीब 27 साल है। रोशनी बाई और रईस, उनकी उम्र 25 साल है। आलिया दोनों लोग रईस, ये उनकी उम्र अभी पता नहीं चल पाई है। सकीना बाई और मोकेला ने, इनकी उम्र करीब 85 साल है। एक छोटा बच्चा है रईस, जिसकी उम्र 3 साल है। घटना है जिसमें इस परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और ये श्री नूरबख्श जी का परिवार है, जो कि 2016 के कलेक्ट्रेट रिटायर कर्मचारी रहे हैं और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरे जोरों के साथ प्रारंभ कर चुकी है और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप लोगों को तत्काल अवगत कराएंगे।